नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेलवे पाठशाला पे। देखो भाई, अब जो है ना ग्रुप डी की जैसे जैसे परीक्षाएं आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हम लोगों को नए नए प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो अभी मेरे पास एक बच्चे का फोन आया था, उसने ये बोला था कि सर सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछे जा रहे हैं, जो कि अभी तक किसी भी चैप्टर में नहीं पूछे गए। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको हर तरह के सिग्मा, हर तरह के पाई बॉन्ड निकालना सिखा दूंगा, चाहे वो कार्बनिक कंपाउंड हो चाहे फिर अकार्बनिक कंपाउंड हो। ओके, तो पहले आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि सिग्मा और पाई बॉन्ड होते क्या हैं और इनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, इसलिए मुझे टॉपिक को क्लियर करना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, अगर बात तुम्हारा करते हैं सिंगल बॉन्ड की, तो याद रखिएगा जब भी कभी सिंगल बॉन्ड आएगा तो वो अपने साथ सिर्फ एक सिग्मा लेके आता है और जीरो पाई लेके आता है, सिर्फ एक सिग्मा जीरो पाई। जब भी अगर डबल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड में बराबर बराबर आते हैं, बराबर बराबर का मतलब एक सिग्मा एक पाई आएगा। जबकि अगर बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड की, तो याद रखना ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है बच्चा, एक सिग्मा और दो पाई आते हैं। अब मैं आपको ढेर सारे एग्जाम्पल भी अभी सॉल्व कराने वाला हूं कि इस पर प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, बट पहले आप इसको याद कर लीजिए कि सिंगल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा पाई नहीं, डबल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होगा एक सिग्मा दो पाई। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है प्रोपेन कि बताइए प्रोपेन में कितने सिग्मा कितने पाई। तो प्रोपेन की अगर अणु सूत्र याद है C3H8, ये तो आपको सबको पता होना चाहिए, तीन कार्बन है, लेकिन मेन बात होती है इसकी स्ट्रक्चर। तो प्रोपेन का मतलब होता है सभी में सिंगल बॉन्ड हो रही, क्योंकि ये एल्केन है। तो आपको करना क्या है कि तीन कार्बन ऐसे लगा लेने हैं सबसे पहले, ओके। फिर इसमें क्या करना है, आठ हाइड्रोजन को सेट करना है, तो आठ हाइड्रोजन के लिए आठ तरह के सिंगल बॉन्ड आपने इस तरह से देखो लगा लिया, ओके। तो यहां देखिए हर जगह पे बैलेंस हो जाएगा तुम्हारा, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। मैंने हर जगह सिंगल बॉन्ड का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि ये प्रोपेन है, मतलब एल्केन है। ठीक है, आप देख लीजिए तीन कार्बन आठ हाइड्रोजन, तो इसमें देखिए सारे के सारे हमारे सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब इसमें सभी सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो देख लीजिए, तो एक दो तीन, मैं काउंट ऐसे नहीं करता हूं, डायरेक्ट आपको बताता हूं, ऊपर वाले तीन नीचे वाले तीन, छह उड़े, सात आठ नौ दस, टोटल दस सिंगल बॉन्ड है। देख लीजिए अगर दस सिंगल बॉन्ड है तो दस सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे और जीरो पाई बॉन्ड हो जाएगा, हरा क्यों, क्योंकि आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड एक सिग्मा लेके आता है, तो दस सिंगल बॉन्ड दस सिग्मा लेके आ जाएंगे और पाई बॉन्ड जीरो हो गए। बताइए बात सब क्लियर है ना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगला एग्जाम्पल है ब्यूटेन, ब्यूटेन का मतलब हो गया C4H10। अब ये भी देखो इसमें भी एल्केन है, एनी लगा हुआ है, यानी आप कह सकते हो कि इसमें भी आपको चार कार्बन बनाने पड़ेंगे। अब ब्यूटेन में हाइड्रोजन की संख्या 10 है, तो बाकी सब जगह आपको हाइड्रोजन फिट करना पड़ेगा। अब मैं चारों जगह हाइड्रोजन लगाऊं या फिर ना लगाऊं, मैं आपको समय बता रहा हूं समय कैसे बचाया जाता है। अब एक बच्चा होगा कि जो चार नीचे चार ऊपर एट इधर हर जगह हाइड्रोजन लगाएगा, लेकिन एक लड़का होगा कि बस इतने करने के बाद सवाल का आंसर बता देगा कैसे। तो कहना आप ये कहना मेरे भाई कि देख लीजिए चार बॉन्ड नीचे है सिंगल बॉन्ड और चार ऊपर है ना, टोटल हमारे हो रहे आठ, फिर आठ के बाद हो रहा है नौ दस ग्यारह बारह और तेरह, चेक लीजिए, तो आठ पांच तेरह, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, इसलिए बोला जाएगा कि इसमें हो जाएंगे सर तेरह सिग्मा और जीरो पाई, तेरह सिग्मा और जीरो पाई। बताइए ये ब्यूटेन के लिए हो गया, और भी देखिए एथिलीन, अब यहां से स्टार्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड। बच्चा ये जो एथिलीन होता है ना C2H4, इसकी स्ट्रक्चर होती है तुम्हारी कह सकते हो सी डबल बॉन्ड सी, और बाकी हर जगह कह सकते हो कि हमारे लड़े होते हैं हाइड्रोजन, बाकी हर जगह हाइड्रोजन है ना, यहां हाइड्रोजन, इसमें से एक हाइड्रोजन मुझे यहां से हटाना पड़ेगा, सिर्फ यहां और यहां हो रहा, ये जो मैंने ऊपर की ओर बनाया है ना ये हाइड्रोजन नहीं हो रहा। देख लीजिए, अरे कार्बन की चार संयोजकता होती है ना, तो देखो दो दो चार कंप्लीट। तो आप इसमें ये देखिए कि कितने सिंगल बॉन्ड है, तो कहना सर इसमें है तुम्हारे पास चार सिंगल बॉन्ड, तो चार सिंगल बॉन्ड देखिए यहां सिग्मा लेके आएगा, यहां सिग्मा चार सिग्मा लेके आ गया, लेकिन एक डबल बॉन्ड भी है,
तो बच्चा 8 डबल बॉन्ड 8 सिग्मा लेके आएगा जबकि 8 पाई बॉन्ड लेके आएगा, बताइए तो टोटल कितने सिग्मा हो रहा है? 8 8 2 2 2 4 हरा 8 2 ये नीचे हो रहा है 1 2 3 4 5 5 सिग्मा है। अगर 5 सिग्मा है और देख लीजिए पाई बॉन्ड की संख्या 8 है तो 5 सिग्मा 8 पाई बॉन्ड ये इसमें होंगे, तो डबल बॉन्ड आया है इसलिए पाई बॉन्ड आया है ना। चलिए और देखिए, अच्छा सल्फ्यूरिक एसिड भी बढ़ल में लिखा है, अगर थोड़ा सा आगे बढ़ जाते ये छूट जाता तो लोग मुझे कमेंट करके परेशान कर देते नहीं सर सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बताया। चलिए देखिए, अगर बात सल्फ्यूरिक एसिड की करते हैं तो H2SO4, अगर बात सल्फ्यूरिक एसिड की करते हैं तो याद रखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। ये देखिए, सबसे पहले आपको इसकी स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, अगर स्ट्रक्चर नहीं पता तो सवाल नहीं सॉल्व होगा। तो इसकी स्ट्रक्चर होती है S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, फिर दो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो रहा है, फिर यहां पर क्या होता है कि एट सिंगल बॉन्ड के साथ O सिंगल बॉन्ड के साथ O और फिर यहां पर H फिर यहां पर H। याद रखिएगा ये जो स्ट्रक्चर मैंने बना के दिखाई ये स्ट्रक्चर होती है तुम्हारी सल्फ्यूरिक एसिड की, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ध्यान रखना ये स्ट्रक्चर। अब सवाल ये है कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है कितने पाई, तो आप सीधा सीधा ये समझो पहले मेरे भाई कि सिंगल बॉन्ड कितने हैं, तो सिंगल बॉन्ड 8 2 3 4 चार सिंगल बॉन्ड, अगर चार सिंगल बॉन्ड है ध्यान से सुनना चार सिंगल बॉन्ड, मैं चार सिंगल बॉन्ड लेता हूं चार सिंगल बॉन्ड ओके, और डबल बॉन्ड कितने हैं, तो डबल बॉन्ड है आप देख लीजिए दो दो डबल बॉन्ड, अगर दो डबल बॉन्ड है तो सीधा सीधा आपके पास दो पाई बॉन्ड आ जाएंगे, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं दो पाई बॉन्ड आ जाएंगे, तो चार सिंगल बॉन्ड चार सिग्मा, अगर चार सिग्मा यहां से आ गए हैं यानी यहां से सिग्मा यहां से सिग्मा यहां से सिग्मा यहां से सिग्मा और यहां आ जाएगा एट सिग्मा एट पाई और यहां आ जाएगा नीचे भी एट सिग्मा एट पाई, बताइए टोटल कितना हुआ, तो कह देना चार ये पांच और छह सिग्मा, छह सिग्मा और दो पाई इसका सही आंसर जाहिरा चेटर लो। तो मेरे भाई स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए, अगर स्ट्रक्चर बनाना सीख जाते हो तो आराम से सवाल लगा दो। अब आपके सवालों में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, स्ट्रक्चर वाले ही सवाल आएंगे, जैसे कि एसेटिलीन C2H2, भैया ये एल्काइन होता है, एल्काइन में क्या होता है जब भी कभी स्ट्रक्चर बनाओ तो सी ट्रिपल बॉन्ड सी और यहां पर यह हाइड्रोजन यहां पर यह हाइड्रोजन देख लो, अगर मैं सिंगल बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड पूछूं तो सिंगल बॉन्ड हमेशा एक सिग्मा लेके आता है ये देखिए, जबकि ट्रिपल बॉन्ड याद रखना एक सिग्मा दो पाई लेके आता है देख लीजिए, तो बताइए जरा स्टार कितने सिग्मा बॉन्ड हो रहे हैं, तो एट ये एट ये एट ये तीन सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड, अगर एसेटिलीन में आ जाता भी बताइए कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड, तो आप कहते तीन सिग्मा दो पाई बॉन्ड। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो अगर मैं पूछूं कि बताइए भैया इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, तो कार्बन की चार से हो जाता है जो ऑक्सीजन को इस तरह से बैलेंस करती है ना, तो आप यहां डोर से देखिए तो यहां पर देख लीजिए डबल बॉन्ड आया है, तो डबल बॉन्ड एट डबल बॉन्ड का मतलब होता है एट सिग्मा एट पाई, फिर याले डबल बॉन्ड का मतलब एट सिग्मा एट पाई, अगर मैं टोटल देखूं कितना है तो टोटल देख लीजिए दो सिग्मा दो पाई, तो मैंने देखी सिग्मा और पाई बॉन्डों की संख्या निकालना आपको सिखा दिए, आई होप आप सीख पाए हो ना, और साथ साथ ये वीडियो में कमेंट करके, अच्छा एक काम करिए होमवर्क लिए क्वेश्चन ले लीजिए, जरा होमवर्क लिए क्वेश्चन ले लीजिए, आप मुझे बेंजीन यानी C6H6 इसमें तुम बताना कितने सिग्मा बॉन्ड ढूंढे और कितने पाई बॉन्ड ढूंढे ओके, लेकिन आपको बेंजीन की स्ट्रक्चर पता होना चाहिए भाई, अगर बेंजीन की स्ट्रक्चर नहीं पता यही वाला प्रश्न पूछा गया था ओके, तो यह वाला क्वेश्चन मुझे कमेंट करके बताइएगा, और एक और एग्जाम्पल ले लीजिए होमवर्क लिए, आप बेंजीन मुझे बताइएगा कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड, आप मुझे इसके अलावा और बताइएगा अमोनिया अमोनिया या NH4Cl बताइएगा NH4Cl इसमें भी आप बताइएगा कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड, ये दो क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि स्ट्रक्चर के साथ ही आप बता पाओगे ठीक है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना, साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, सिग्मा और पाई बॉन्डों की संख्या निकालना आप सीखे कि नहीं सीखे, और ये जो मैंने दो क्वेश्चन आपको दिए हैं होमवर्क के लिए इसको जरूर लगा के भेजिएगा। जय हिंद।